प्रधानमंत्री जब ऐसी बात करते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। कांग्रेस के किस नेता ने कहा है? क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है? कांग्रेस 55-56 साल हुकूमत में रही, 10 साल अभी हुकूमत में थी, कितना फीसदी मुसलमानों के बीच में बांटा है? मोदी साहब खुद ही ये सोचते हैं कि किस तरीके से देश के लोगों को भड़काया जा सकता है, किस तरह हिंदू कम्युनिटी को भड़काया जा सकता है। प्रधानमंत्री ये बताएं, ये आंकड़ा उनके पास आया कहाँ से है? प्रधानमंत्री से हम उम्मीद करते हैं कि वो सिर्फ सच बोलेंगे। देखिए, निश्चित तौर से उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये सब कुछ सच है, और महिला के साथ जो उनकी राज्यसभा की मेंबर हैं इस तरीके से ज्यादती हुई है। लेकिन अभी तक उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए, तभी पुलिस कोई एक्शन ले सकती। देखिए, अब ये नहीं कहा जा सकता वो क्यों नहीं आ रही, लेकिन वो अगर मीडिया के सामने नहीं भी आ रही हैं तब भी ट्वीट के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए अपनी बात मीडिया तक पहुंचा सकती हैं। उनको चाहिए कि जो सिचुएशन है उसको क्लैरिफाई करें। किसने रोका है? देश और दुनिया की स्थिति कहाँ खराब चल रही है? 10 साल से आपको वो स्थिति नजर नहीं आ रही कि आप पोप को ले सके? आप हर तीसरे दिन बयान देते हैं कि देश के लोग गुमराह हो जाए। आपके अंदर हिम्मत है तो हमला कीजिए, पोप को लीजिए, देश के लोग आपके साथ हैं, सारे राजनीतिक दल आपके साथ है। आप एक तरफ चाइना से डरे हुए हैं, चाइना के बारे में एक बयान प्रधानमंत्री नहीं देते, दूसरी तरफ सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं आप पोक के बारे में, आप कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है।